दिल्ली से बड़ी खबर, लैंड फॉर जॉब स्कैम में लालू परिवार को राहत मिल गई है। राउज एवेन्यू कोर्ट से परिवार को मिली राहत। मामले में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, राजनीतिक दुर्भावना हो रही है कार्रवाई। तेजस्वी यादव ने यह बयान दिया कि राजनीतिक दुर्भावना के तर्ज पर यह कार्रवाई की जा रही है, और इससे पहले भी कोर्ट में जाने से पहले तेजस्वी यादव ने साफ कहा था कि केंद्र एजेंसियों का दुरुपयोग केंद्र सरकार मोदी सरकार कर रही है। और अब दूसरा बयान उनकी ओर से जो सामने आया वो ये कि राजनीतिक दुर्भावना के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। देखिए, न्यायालय है, न्यायालय पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और न्याय मिला है, लेकिन आप जानते ही हैं ये कोई मामला खास तौर पे मेरे ऊपर तो बनता ही नहीं है। मेरा तो दूर दराज से रेलवे से कोई लेना देना नहीं। उस समय तो पढ़ाई करते थे, आरकेपुरम में क्रिकेट खेला करते थे, तो उससे कोई मेरा मतलब नहीं। राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत ये सारी चीज़ें हो रही है, और आज भी आप लोगों ने देखा है कि संजय सिंह जो है उनके यहाँ रेड पड़ा, कल पत्रकार जो हैं उनको ज़बरदस्ती जो है फंसाया जा रहा है। तो एक विंडिक्टिव एक पॉलिटिक्स जो है वो हो रहा है। आप सच बोलिएगा, जनता की बात कीजिएगा और जवाब चाहिएगा सत्ता पक्ष के लोगों से, तो ये कार्रवाई होती रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है निफिक्र हैं इस चीज़ को लेकर के। हम लोग भी जान, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितनी बार हमने इस बात को दोहराया है कि जब हमारी सरकार बनी महागठबंधन की 9 अगस्त को जो है पिछले साल ही बीजेपी को हम लोगों ने बाहर किया, उसी दिन हमने कह दिया था कि अब रेड छापे ये सारा चीज़ होगा। हालांकि चार्जशीट में नाम नहीं था, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में नाम आया, लेकिन ये सब लोगों को पता था अगर आप भाजपा से लड़िएगा तो ये होना ही है, लेकिन अगर आप भाजपा के साथ जाइएगा तो आपके सारे केस मुकदमे दूर हो जाएंगे।